हे दोस्तों, चलो फटाफट जान लेते हैं कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है, इस हफ्ते में क्या नया हुआ है। साइबर्स इंडिया रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में अबाउट 15 से 18 मिलियन स्क्वायर फीट का जगह लगेगा डेटा सेंटर्स को मैनेज करने के लिए 2025 तक, जहां अबाउट $3.7 बिलियन इन्वेस्ट करना होगा। तो ये डेवलपर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस डिमांड को फुलफिल करने का। रिसर्च ये भी कहता है कि रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ने से प्रॉपर्टीज का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि आयरन, सीमेंट, लोहा, इन सब का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसका सीधा इफेक्ट प्रॉपर्टीज पे पड़ रहा है, प्रॉपर्टीज के प्राइस पे पड़ रहा है। डेवलपर्स का कहना है कि इन सब का प्राइस बढ़ने से हम अपने कस्टमर्स को ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा एमिनिटीज ऑफर नहीं कर पाएंगे, और प्रॉपर्टीज का प्राइस तो बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। वैसे पूरे देश में हर एक जगह उतना सख्त लॉकडाउन नहीं है, इसलिए लोग रॉ मेटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, इससे ये काम थोड़ा आसान हो रहा है, पर फिर भी ये प्राइस बढ़ेगा। रिपोर्ट ये कहता है ये प्राइस जरूर बढ़ेगा। स्क्वायर्स, जिसे आप जानते ही हो, देश का टॉप मोस्ट ब्रोकरेज फर्म है, जो नया नया शुरू हुआ था कुछ ही साल पहले, वो इंटीरियर बिजनेस में एंटर कर रहा है। स्क्वायर्स का पिछले साल में रेवेन्यू हुआ है 350 करोड़, जो बहुत अच्छा है। अजमेर रियलिटी और 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहा है अपने 4 प्रोजेक्ट्स में, जो बेस्ड है मुंबई, पुणे एंड बेंगलोर में, इस पैनाडेमिक के बावजूद भी, जो आई थिंक एक अच्छा मूव है, क्योंकि उनका प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 10% बढ़ गया है। वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं, इसलिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आई थिंक एक अच्छा मूव है, क्योंकि यही सही टाइम है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, बिल्डिंग डेवलप करने का, यही सही मूव है। अजमेर रियलिटी इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, जो आई थिंक अच्छा है। EXP रियलिटी अपने एजेंट्स एंड ब्रोकर को वैक्सीन देने का प्लान कर रहा है आने वाले टाइम पे। EXP रियलिटी दुनिया का टॉप मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकरेज कंपनी है, जो नवंबर 20 में लॉन्च हुआ था, इंडिया में लॉन्च हुआ था, और इंडिया में अबाउट 12 स्टेट्स में ये ऑपरेट करते हैं। इंडियन हेल्थ सेक्टर को इस टाइम पे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है इस कोविड के टाइम पे, क्योंकि लोग क्लेम कर रहे हैं, लोगों ने अभी तक 10.07 लाख क्लेम कर दिया है, जिसका वैल्यू अबाउट 14,738 करोड़, अबाउट $2 बिलियन के आसपास। GIC के रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट ये भी कहता है कि 8.6 लाख क्लेम उन्होंने ऑलरेडी पास कर दिया है, जो अर्थ है अबाउट 7,000 करोड़ का। इंडिया का हेल्थ सेक्टर बहुत मुश्किल में पड़ गया है इस कोविड के वजह से, और उन्हें देना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है, उन्हें देना ही पड़ेगा। तो ये था पूरा न्यूज़ इस हफ्ते का, आई होप ये वीडियो काम आएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर एंड बी सेफ।